अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप ठीक होंगे। यार कल से एक नई बहस, एक नई कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई है। फैसल भाई वो एक्टर इंडिया का मरा, तो उस पर कुछ लोग उसके बारे में कुछ ग्रीटिंग्स कर रहे थे, रेस्ट इन पीस ऐसा कुछ कर रहे थे। तो वहाँ पर कुछ लोगों का रिएक्शन बहुत ही ख़राब था उसके बारे में, और कुछ लोग कह रहे थे कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हिंदू है काफिर है उसके बारे में हमें ऐसी चीज़ें नहीं कहनी चाहिए, वो तो जन्मी है सीधे सब कुछ। तो इस बारे में यार हमने एक वीडियो देखी है, वो वीडियो आप लोगों को दिखाते हैं, हम शेयर करते हैं आपके साथ। उसमें ये था कि क्या हमें मुस्लिम नॉन मुस्लिम के बारे में ऐसी कुछ बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो वीडियो देखते हैं फैसल भाई, उसके बाद डिसाइड करते हैं कि क्या हमें ऐसा कुछ कहना चाहिए या गुनाह है ऐसा कुछ कहना या नहीं कहना चाहिए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं जी। अच्छा, तो वीडियो स्टार्ट हो चुकी है। Why can't you pray for the forgiveness of non-Muslims? मुसलमान के लिए भी दुआ करनी चाहिए, गैर मुस्लिमों के लिए दुआ करनी चाहिए, किसने रोका इस? कुरान की जो आयत है मुशरिकीन के बारे में, कुरान मजीद ने एक ख़ास मौके और मरहले पर आकर जब अजाब का फैसला हो गया तब इससे रोका था। आप तो पहुँचाने वाले हैं, आप इंसानों के खैर ख्वाह हैं, आपका सब इंसानों से इंसानियत का रिश्ता है, तमाम इंसान आदम व हव्वा की औलाद है, वो मसीही हैं, वो यहूदी हैं, वो हिंदू हैं, सब हमारे भाई हैं। उनके लिए हिदायत की दुआएं कीजिए, उनके लिए अल्लाह ताला के करम की दुआएं कीजिए, और अगर किसी आदमी की दुनिया से रुखसत होने की इत्तला मिले तो अल्लाह से गिड़गिड़ा के दुआ कीजिए कि अगर उसके पास कोई उज़र था तो अल्लाह ताला उसको कबूल कर दे। हमें खैरख्वाह होना चाहिए, इससे नहीं रोका गया। हाँ, जब अल्लाह ताला इत्तला दे दे कि अब ये शख्स सरकश हो गया है और इसके ऊपर अजाब का फ़ैसला कर दिया गया, उसके बाद दुआ लिखी। क्या बात, तो ये अब अल्लाह ताला की तरफ से इत्तला मेरे पास तो आती नहीं, अगर किसी के पास आती हो। ये एक छोटी सी वीडियो थी, इनका मुझे नाम तो नहीं पता, लेकिन इन्होंने बात बहुत कमाल की है कि इस्लाम कोई सख्ती का दीन नहीं है फैसल भाई, अमन का मोहब्बत वाला प्यार वाला दीन है। और वो कहते हैं कि अल्लाह पाक ने वो मतलब कुछ खास इवेंट्स खास मौक़ों पे कहा है कि मुशरिकीन के लिए दुआ या ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, मगर ना वो उनका अगर कुछ ऐसा हो जाए तो हमें कुछ उनकी दुआ करनी चाहिए, उनके पास अगर कुछ उज़र है तो अल्लाह पाक उनको माफ़ करे, उनके लिए माफ़ी की हिदायत की दुआ करनी चाहिए हमें। तो बाकी यार आप लोग बताएं फिर कि हमें रेस्ट इन पीस या ऐसी कोई ग्रीटिंग कहनी चाहिए इनके बारे में, हिंदुओं के बारे में, क्रिश्चियंस के बारे में, या नहीं कहनी चाहिए। अगर आपको कुछ मालूमात पता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं।